अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से रोज़े जो है ना वो ऐसे ही गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि रोज़े आए हैं या नहीं आए, क्योंकि पूरा दिन रोज़े का पता ही नहीं चलता। अल्लाह माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। पहले जो 6-7-8 दिनों में तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा है, बादल से छाए हुए, कभी कभार धूप निकल आती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप थी, सख्त धूप थी और गर्मी ज़्यादा थी। और अभी तकरीबन 45-50 मिनट रहते होंगे अफ्तारी में, तो आप देख रहे हैं कि अभी भी मौसम कितना गर्म नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो वैसे पूरा दिन अंदर पंखे पर बैठे रहते हैं, इतना भाई महसूस नहीं होता, तो इसीलिए शायद। तो बिकॉज आज का व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं आज इधर ही से, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अफ्तारी भी और बाकी सब कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और लाल रंग का बटन जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बस माशाल्लाह से अभी हम बाहर मौजूद हैं अपनी भेड़ बकरियों में। तो अभी बस आज मैं आई हूँ अपने विलेज में, क्योंकि कल मेरी एक बहन से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सब्जियाँ बोने का, सब्जियों का और दरख्त लगाने का, और ख़ास तौर पे अमरूद, अनार, माल्टा, लीमू, इन सब के पौधे लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से मुझे चीज़ें लगाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आप लोगों का विज़िट करा दूँ, अनारों का भी और लीमू के पौधे और माल्टों का भी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत अनार लगे हुए हैं। नहीं, इसको तोड़ना नहीं है अभी, ये कच्चे हैं। नहीं, कच्चे हैं, जब फिर पकेंगे तो फिर तोड़ेंगे, ठीक है। अभी कच्चे हैं, ये देखो कच्चे हैं माशाल्लाह से। इस बार ना अनार का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है, ये देखो। पिछली छिमाई में तो इसे बीमारी लग गई थी, बहुत ज़्यादा अनार लगे भी थे, लेकिन अब हम जिस घास के पीछे खड़े हुए हैं ना, ये देख रहे हैं आप घास, इसको हमने 3 साल पहले बोया था, और जिससे जैसे इसको काटते हैं फिर वैसे ही हो जाता है। सिर्फ 2 महीने जो है, जब ज़्यादा सर्दी होती है उन 2 महीनों में नहीं होता, लेकिन पूरा साल फिर होता रहता है। उस मौसम में ये वैसे ही पड़ा रहता है और सूखता नहीं है और ख़त्म भी नहीं होता, वैसे ज़मीन से में पड़ा रहता है, फिर ये उगाता है। और ये देखें, ये चाइना का घास है और इसका नाम है रोड क्रॉस। ये रोड क्रॉस का घास है, ये पूरे 5 साल तक चलता है। तो आइए, आप माल्टा जो है ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये नहीं, ये छोटे 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 दाने ना छोटे छोटे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और चाइना की एक लीमू की बूटी है, उस पर लीमू भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, उधर भी अभी पके नहीं। ये क्या कर रहे हो भाई, उधर तो दिखाओ, कच्चा अनार खा रहा है, ऐसे गंदा बच्चा कच्चा अनार खा रहा है ना, ये कड़वा होगा। तो चलते हैं अभी घर और देखते हैं कि आज अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, क्या इंतज़ाम किया जा रहा है। जलाते हैं और अभी आग जलाते हैं और आज हम पका रहे हैं माशाल्लाह से भिंडी का सालन, भिंडी का सालन और चावल बना रहे हैं। देखते हैं कि आज क्या क्या आया हुआ है। जबरदस्त, तो खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, ये क्या है, ये तो बड़ा सारा है, ये है क्या चीज़ पता नहीं। जबरदस्त, इसे क्या कहते हैं उर्दू में? तरबूज। तरबूज, और हम इसे कहते हैं पतीरा। हम लोग इसे कहते हैं पतीरा। अभी बैठते हैं, इसको काटते हैं इधर बैठ के, क्योंकि बाहर से काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज ठंडा ठंडा मतीरा खाना है फ्रिज में रख के, तो हमने सोचा कि बच्चे चलो बच्चों की फरमाइश पूरी कर लेते। वैसे इनकी मौसम अभी थोड़ी का, वैसे तो ये शहरों में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं लेकिन विलेज में हमारे देहातों में कुछ दिन बाद ना ये आम होंगे, आमों के भी मौसम आने वाले हैं कुछ दिनों। तो माशाल्लाह से हमने मतीरे को काट दिया, यानी तरबूज को काट दिया है और अभी हम इसे रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि अभी आधा घंटा बाकी है तो ये ठंडे भी हो जाएंगे और जब तक हम अपना किचन का काम देख लेते हैं। अभी जो है ना चावल हमने डाल दिए हैं, अभी थोड़ी ही देर 5 मिनट बाद हम इसको दम पर रख लेते हैं। चावलों को दम पे रख दिया है, सारे में तकरीबन 10 मिनट रहते हैं जब तक हम रोटियां भी बना लेंगे और अभी देखते हैं पकौड़े समोसे भी आए और उनको भी प्लेटों में निकाल लेते हैं या तो उनको दिन में आ जाती है। रेडी हो चुका है और अब अफ्तारी का टाइम भी हो चुका है तो अभी रोज़ा तैयार करते हैं, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सेब खाएगा पहले ना। तो अभी बस उम्मीद है कि तैयार कर लिया है और अभी हमने रोटियां बाद में बनाई हैं, जैसे कि हमने माशाल्लाह से रोटियां बना दी हैं और अब सारा सामान हम इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि नमाज को देर हो रही है और हम नमाज पढ़ते हैं। अभी हमने रोटियां भी बना के रख ली हैं, नमाज पढ़ने चलते हैं लेकिन आप लोग इसे चाहेंगे इजाज़त इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी बस इसी के साथ ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।